बहुत से मेल्स जब ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि मैम हमें इरेक्शन या तनाव में प्रॉब्लम है, वैसे हमारी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि टाइम कम है, लेकिन हमारा इरेक्शन बहुत समय तक नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो यूजली आप कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे ल्यूब्रिकेशन के साथ जब ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका इरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या एक्सरसाइज होती है, कैसे किया जाता है, क्या टेक्निक है मसाज करने की, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मसाज कैसे की जाए, कब करनी चाहिए, क्या ये इफेक्टिव भी होती है, किस तरीके से करनी है, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, ये वीडियो अंत तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करें, शेयर करें एटलीस्ट और लोगों के साथ जिनको थोड़ा सा भी तनाव में इश्यू आता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे इरेक्शन की। सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि बहुत से मेल्स को एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है या जो टाइम का इशू है उसके पीछे कारण क्या है। उन्हें लगता है कि मेरा तो जल्दी श्रवण हो जाता है, उनको लगता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, हो सकता है इस वजह से ज्यादा हो गया हो, लेकिन इरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइज से भी ज्यादा। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती आई हूँ कि आपका साइज कितना भी है लेकिन अगर आपकी इरेक्शन स्ट्रांग है तो वो ऑटोमेटिकली फीमेल को प्लेजर देती है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू है तो एक सही ऑयल और सही तरीके से मसाज करने से आपकी इरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। किस तरह से मसाज की जानी चाहिए, मसाज जो आप जर्नली करेंगे उसको हम जेल क्विंग मसाज मेथड कहते हैं। इसे आपने कैसे करना है और किस तरीके से करना है, कब कब करना है, पहले इस बारे में बात करते हैं। जब भी आप अपने पेनाइल एरिया मतलब अपने लिंग की मसाज करने जा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही ल्यूब्रिकेशन और सही ऑयल का प्रयोग करें। ये मसाज अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मिनट का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि कब करनी है मसाज, हमेशा यूजुअली सुबह नहाने के बाद ताकि वो काफ़ी समय तक रिटेन रहे, साथ साथ रात को सोने से जस्ट पहले, जो लोग मास्टरबेट भी करते हैं वो भी थोड़ा सा जस्ट पहले अगर ऑयल यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि काफ़ी समय तक रहेगा और आपका इरेक्शन इम्प्रूव हो सकता है। और मसाज की सही टेक्निक मैंने आपको बताई है, दिस मसाज इज नोन एज जेल क्विंग मसाज। अब जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम ये प्रोस्टेटिक मसाज क्या है, प्रोस्टेटिक मसाज यूजली आप खुद नहीं कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी खुद कर सकते हैं नहीं, ये आपका यूरोलॉजिस्ट या सेक्स एक्सपर्ट करेंगे। वो आपके रेक्टम से मतलब जहाँ से आप पॉटी करने जाते हैं उस से 2 उंगली घुसाकर आपके प्रोस्टेट की मसाज करते हैं, ताकि अगर आपके प्रोस्टेट क्या, एक छोटी सी ग्रंथि है आपके यूरिन एरिया से थोड़ा सा ऊपर, उसका सेक्स से रिलेटेड कोई काम नहीं है, लेकिन अगर प्रोस्टेट के अंदर कोई पानी भर गया है या कुछ है तो वो मसाज करने से निकल जाता है और आपका इरेक्शन इंप्रूव हो जाता है। ये 100% वैलिडेट नहीं है लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसे मानते हैं और ये डॉक्टर ही कर सकते हैं। कभी कभार ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, अगर आपको लगता है मुझे ये प्रोसीजर भी कराना है तो आपको अपने एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। साथ साथ आपको अपने मेंटल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप किसी भी गूगल आर्टिकल में पढ़ें, किसी भी डॉक्टर से पूछें, किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखें जो कि अच्छे एक्सपर्ट की है, सब यही कहते हैं कि ये सारा दिमाग का खेल है। साथ साथ अगर ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम हो गई है या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इश्यूज क्रिएट हो गए हैं तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट रहता है वो ये कि जो आपका इरेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाता है, कम हो जाता है ना, और उसकी वजह से आप डेफिनेटली कि जब एग्जैक्टली मैं इंटरकोर्स करने लगता हूँ तो मेरे से नहीं होता। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपको इरेक्शन का इशू है, आप किसी भी एज में हैं, देन यू शुड गो फॉर दी राइट मसाज टेक्निक। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे नए यूट्यूब चैनल को साइकोलॉजी सीखो, और साथ साथ पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए, फेस टू फेस बात करने के लिए www.drnehamehta.com। और हाँ, चैनल को प्यार देना है, सब्सक्राइब करना है, हमें बहुत जल्दी 10 मिलियन तक पहुँचना है। थैंक यू सो मच।